मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक अधिकारी को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जो कि एक बैग ले जा रहा था और ट्रेन में चढ़ रहा था। उसे जब पकड़ा गया तो हर कोई सन्न रह गया क्योंकि उस बैग में एक डेड बॉडी थी। हम समझेंगे, हमारे साथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर डीएससी सर हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। कैसे एक इतना सनसनीखेज हत्या का मामला आप लोगों ने सुलझाया, लोगों के सामने लाया? तो ये बेसिकली 4 अगस्त की घटना है। रात के 11:55 बज रहे थे और दादर स्टेशन में तुतारी एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जो कि कोकण साइड में जाती है। चूंकि उसमें भीड़ रहती है तो हमारा बंदोबस्त उसमें लगा हुआ था, तो पीछे साइड के जनरल डब्बे में एक संदिग्ध सा व्यक्ति जो काफ़ी बड़ा बैग रखा हुआ था वो उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहा था और काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उस बेसिस में हमारे एक आरपीएफ कांस्टेबल थे संतोष यादव, उन्होंने उसको मतलब थोड़ा रोका जिससे वो और घबरा गए और बैग थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ था और उन्होंने जब अंदर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि काफ़ी खून है और बॉडी उसके अंदर रखी हुई है। उसके बाद उन्होंने तुरंत जीआरपी के और आरपीएफ के जो अधिकारी हैं सबको उन्होंने बताया और तब तक उसको पकड़ के रखा और उसके बाद फिर वहाँ पे आरपीएफ एंड जीआरपी के जो अधिकारी गण थे वो सारे आ गए और उसके बाद वहाँ से आगे हमने इन्वेस्टिगेशन चालू। सर, जांच में ये पता चला कि जिसको आपने अप्रिहेंड किया था वो डम एंड डीफ है, मतलब वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी आप लोगों ने इसकी जांच आगे बढ़ाई और एक कंक्लूजन तक आप पहुंचे। कैसे इनिशियली आपको तकलीफ हुई, कैसे आपने ये पता लगाया कि उसने वो हत्या की है, कहाँ से ला रहा है, आगे की जाँच में कैसे आप लोगों ने काम? बेसिकली इसमें इंक्वायरी जीआरपी दादर द्वारा की जा रही थी और आरपीएफ सपोर्ट कर रही थी और उसमें उन्होंने साइन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया था उस समय और काफ़ी कुछ लिख के या मोबाइल में कुछ बता के और कुछ एक्सप्रेशन से उन्होंने बताया और फाइनली ये चीज़ समझ में आया कि वो लाए तो ज़रूर, सीसीटीवी में भी देखा गया कि वो बाहर से आ रहे हैं, वो टैक्सी करके आए थे और ये जो घटना थी ये रेलवे क्षेत्र से बाहर की थी, पायधुनी एरिया की थी जहाँ से वो लोग आ रहे थे। तो इवेंचुअली जो जीआरपी है उन्होंने केस को अपने तरफ से पायधुनी लोकल पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, अगली सवाल, क्या जो मृतक है और जिसको आपने अप्रिहेंड किया वो दोनों जान पहचान के थे, कुछ ऐसे समझ में आया इनिशियली इसके बारे में? तो दोस्ती आ रही थी ऐसा कुछ समझ में आया कि कुछ पहचानते थे क्योंकि रैंडम आदमी का मर्डर किया था? नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो वो लोकल पुलिस ज़्यादा अच्छे से कर रही है और वो शुरुआत में मतलब चूंकि रात का समय था तो उतनी इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने नहीं, वो लोकल पुलिस और बेहतर तरीके से बता पाए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से एक संदिग्ध बैग दिखाई दिया था और फिर अलर्ट आरपीएफ अधिकारी ने उस शख्स को रोका, बैग की जांच की तो बैग से लाश बरामद हुई और जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई गई तब पता चला कि जो शख्स उस शव को ले जा रहा था वही उसका हत्यारा था। कैमरा सजेशन दे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।